हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वर्क एनर्जी पावर। वर्क एनर्जी पावर में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला कॉन्सेप्ट वर्क डन। तो वर्क डन से पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम ये बात करना चाहते हैं कि वर्क निकालने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है डॉट प्रोडक्ट का जानकारी होना। तो डॉट प्रोडक्ट में मैंने सिंपल कुछ बातें लिखी, एकदम सिंपल। एक लिखा है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जैसे ए और बी दो वेक्टर है तो आप इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर। इसको ब्रेक करेंगे तो मिलेगा ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। तो आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के बराबर वन, है ना। सिमिलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वन होता है और सिमिलर वेक्टर का, है ना, डॉट प्रोडक्ट वन होगा और डिसिमिलर, है ना, डिसिमिलर जो होगा यूनिट वेक्टर का डॉट जीरो होगा। जैसे कि आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन। आई डॉट जे जीरो, जे डॉट के जीरो और के डॉट आई जीरो। इसमें ऐसे जैसे के डॉट आई है तो आई डॉट के भी लिख सकते हैं, आई डॉट के भी लिखेंगे जीरो ही होगा। क्लियर। एक क्वेश्चन है, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी आई कैप और साइन ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, देखिएगा ए जो वेक्टर है वो दिया हुआ है कॉस ओमेगा टी आई कैप अ प्लस साइन ओमेगा टी और जे कैप। कोई डाउट? ओके। बी जो वेक्टर है वो कॉस ओमेगा टी बाई टू आई कैप अ प्लस साइन ओमेगा टी टू अबटे जे कैप। तो ये हो गया क्या, कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बटे टू आई कैप और साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बटे टू जे कैप, ये दिया हुआ है। आर फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है, फंक्शन है ना, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। आर फंक्शन ऑफ टाइम देन वैल्यू ऑफ टी व्हेन दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, है ना। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल है ओवर और परपेंडिकुलर, दोनों बात एक ही है, ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल का मतलब होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो दो वेक्टर एक इधर है एक इधर है तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए। तो परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, पता है आपको, ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर जीरो होता है। देखिए आई डॉट जे, आई इधर है तो जे इधर है, दोनों परपेंडिकुलर हुआ ना, तो उसका डॉट क्या है, जीरो है ना। तो ए और बी परपेंडिकुलर है तो डॉट जीरो हो गया। या यहाँ पर देखिए थीटा बराबर 90 कर दीजिए तो कॉस 90 जीरो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो इसे मिटा देते हैं ना, इसको कोई अब जरूरत नहीं है। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो अभी मैंने बताया कि भाई डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे लेते हैं। तो देखो मैं डॉट प्रोडक्ट लेकर दिखाते हैं। ए, ए का वैल्यू कितना है, ये रहा ए, ये कॉस ओमेगा टी आई कैप अ प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ओके डॉट। यहाँ पर क्या है, कॉस ओमेगा टी बाई टू आई कैप अ प्लस साइन ओमेगा टी बाई टू और जे कैप, वो जे कैप है अंदर में। तो इससे करिएगा तो आपको मिलेगा रिजल्ट, बिल्कुल मिलेगा। तो करें इससे करते हैं तो कॉस ओमेगा टी मिलेगा इंटू
कॉस ओमेगा टी मिलेगा डिवाइडेड बाई टू आई डॉट आई वन हो जाएगा, और इससे जब इसका डॉट लीजिएगा तो जीरो हो जाएगा। समझ में आया? आई डॉट जे, ये जे है तो जीरो हो गया। इसका इससे डॉट लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जे आ डॉट आई, ये भी जीरो हो जाएगा। और इसका इससे डॉट लीजिएगा तो जीरो नहीं होगा, तो क्या मिलेगा, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बटे टू। तो इसका एक देखो रिजल्ट है ना, और इक्वल टू क्या होगा भाई, देखो गलत था ना, ये इक्वल टू क्या है, जीरो है ना, यहाँ पर लिख देते हैं जीरो, कोई प्रॉब्लम। ये जो ए वेक्टर का डॉट, इस वेक्टर का डॉट क्या होगा, जीरो। अब यहाँ भी क्या होगा, जीरो, ठीक है ना, इतना का डॉट जीरो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय टू प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू जीरो। अब ये फॉर्मूला है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये क्या होता है, ये होता है कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी डिवाइडेड बटे टू इजिकल टू क्या हो गया, जीरो। तो कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू इजिकल टू कॉस पाई बाई टू, कॉस नाइन्टी, कॉस नाइन्टी बोले जीरो। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी डिवाइडेड बटे टू इजिकल टू पाई बाई टू, इसको लिखेंगे क्या, टू ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी डिवाइडेड बटे कितना, टू इजिकल टू पाई बाई टू। तो यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा टी डिवाइडेड बटे टू इजिकल टू पाई बाई टू, टू से टू कट गया तो टी इजिकल टू क्या मिला, पाई बटे ओमेगा मिला, और यही हो गया क्या आंसर। तो टी इजिकल टू पाई बटे ओमेगा है ना, टी इजिकल टू पाई बाई ओमेगा आएगा आंसर, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आंसर होगा ए पार्ट, ये वाला आंसर। अब इसे मिटाते हैं, देख लो भाई, अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, वर्क डन है ना। तो वर्क डन में क्या है, W क्या लिखते हैं इसको, W। तो ये जो वर्क डन होता है, W बराबर होता है A वेक्टर और D वेक्टर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, A लिखेंगे फिर D लिखेंगे और साथ में क्या लिखेंगे, cos थीटा, और इसे W लिखेंगे, क्लियर, ओके। जैसे M मास का एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को खींचकर यहाँ पर लेकर जाना है, तो इस तरह से होगा ना भाई, ऐसे फोर्स लगाया है, ऐसे फोर्स लगाया है, ये कितना है थीटा, ये क्या है डी डिस्प्लेसमेंट। तो एक इसका कंपोनेंट किधर आएगा, एक इधर आएगा एफ कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, एक आएगा एफ साइन थीटा। तो इसमें क्या है, इसमें एफ कॉस थीटा है, देखिए D इंटू क्या है F cos थीटा। तो जो वर्क होगा वो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग फोर्स जो लगेगा उसी के लिए वर्क डन होगा है ना। जो वर्क होगा वो किसके लिए होगा भाई, जब फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होना चाहिए, उसके परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग रहेगा तो वर्क आपको मिलेगा, अदरवाइज वर्क नहीं मिलेगी है ना। तो इसमें है कि जैसे मान लीजिए W, W हो गया तो F हो गया, D हो गया, cos थीटा हो गया, इसकी जो यूनिट होगी वो न्यूटन होगी, मीटर होगी, या यहाँ पर हो जाएगी क्या केजी होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, यानी केजी मीटर
हुआ है पर सेकेंड स्क्वायर। स्केलर होगी और होगी क्या, पॉजिटिव होगी, निगेटिव होगी एंड जीरो होगी। ओके, स्केलर, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, तीनों कंडीशन है उसके। यूनिट जो होगी उसकी एक और जूल होगी, उसको बोलेंगे जूल। ये एसआई यूनिट होगा, एक और होगा अर्ग, ये सीजीएस यूनिट होगा, सीजीएस यूनिट। तो एक जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्ग, है ना, 7 अर्ग, ये यूनिट होगी। एक और यूनिट होगी जो बहुत पुरानी यूनिट है और बड़ी यूनिट है, उसको बोलते हैं कैलोरी। तो एक कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होगा, यानी 1 केल, सिंबल है केल इज इक्वल टू 4.2 जूल। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पर यह है कि मान लें कि एम मास का एक कोई ब्लॉक है ऐसे, ठीक है, एक इधर फोर्स लग रही है F1, एक इधर फोर्स लग रही है F2, नीचे लग रहा है Mg, इधर लग रहा है नॉर्मल, ठीक है, ठीक। इधर मान लीजिए कि ये है A, ये क्या है A, और इधर क्या है B, क्लियर, इधर A है और इधर ब्लॉक जा रहा है। फर्स्ट में व्हेन ब्लॉक गोज टुवर्ड्स ए, ए के तरफ जा रहा है, ए के तरफ, तो W जो F2 होगा, W F2 होगा वो है क्या, W F1, ये हो गया F1 इंटू क्या हो गया डी, पॉजिटिव हो गया, क्लियर। W जो F2 है वो क्या हो गया, निगेटिव हो गया इंटू डी, ठीक है, और W जो नॉर्मल हो गया वो क्या हो गया जीरो, और W जो Mg हो गया वो क्या हो गया जीरो। ये समझना भाई, जिधर फोर्स होगा उधर ही चलेंगे तो वर्क डन होगा, उसके परपेंडिकुलर जब चलेंगे, यानी परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है मोशन के परपेंडिकुलर या डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, तो उस केस में वर्क डन जीरो होगा, उस केस में वर्क डन जीरो होगा। ये समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, ओके। तो इस केस में वर्क डन जीरो होगा। अब देखें कि व्हेन ब्लॉक गोज टुवर्ड्स, व्हेन ब्लॉक गोज टुवर्ड्स टुवर्ड्स बी, तो क्या होगा, W जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, n इंटू डी, पॉजिटिव होगा, और W जो Mg होगा वो होगा माइनस m इंटू जी इंटू डी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर m मास का यहाँ ब्लॉक है, एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, नॉर्मल ऊपर लगा, Mg नीचे लगा, इधर हमने a माना है कि अगर इधर जाएगा तो हमें a बोलेंगे, इधर जाएगा तो हम लोग बी बोलेंगे, नाम दे दिया। तो व्हेन ब्लॉक गोज टुवर्ड्स ए, ए की तरफ ब्लॉक जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो रहा है, अब फोर्स इधर ही लगा है, ये वाला फोर्स, तो डब्ल्यू एफ वन जो होगा, एफ वन के चलते वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा, एफ वन इंटू डी होगा, और इधर चलेगा एफ टू, एफ टू इधर है, जहां ब्लॉक रहा है इधर, तो हो जाएगा क्या, निगेटिव।
तो माइनस एफ टू इंटू डी होगा। डब्ल्यू नॉर्मल कितना हो जाएगा जीरो, और डब्ल्यू एम जी कितना होगा जीरो, क्योंकि ब्लॉक जा रहा इधर, एम जी इधर द परपेंडिकुलर, और नॉर्मल ऊपर है तो परपेंडिकुलर जीरो हो गया। वेन ब्लॉक गोज टुवर्ड्स बी, तो बी के तरफ मतलब कि ऊपर जा रहा है, तो नॉर्मल के एलोंग जा रहा है, तो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स इक्वल टू नॉर्मल इंटू डी हो गया, और वर्क डन ड्यू टू एम जी फोर्स इक्वल टू माइनस एम जी इंटू डी हो गया, हुआ ना। तो अब देखिए ये बन गया, और डब्ल्यू जो हो गया एफ वन वो कितना होगा जीरो, और डब्ल्यू एफ टू जो हो गया वो भी कितना हो गया जीरो, है कि नहीं। तो इस केस में जो नेट वर्क डन होगा, इस केस में नेट डब्ल्यू नेट वो क्या होगा ये वाला होगा, जिसमें डी कॉमन आ जाएगा और मिलेगा क्या एफ वन माइनस एफ टू इंटू इंटू क्या हो गया डी, है ना, समझ रहे बात को। इधर फोर्स ज़्यादा इधर कम है तो नेट फोर्स निकालो, एफ वन माइनस एफ टू इंटू डी हो गया। इसमें देखो भाई ये ऊपर जा रहा है, मैंने ऊपर का फोर्स हम मान लेते हैं ज़्यादा है ना, इधर जा रहा है मान लो, है ना। अभी तो जमीन छोड़ेगा तो कंटेक्ट खत्म हो जाएगा, नॉर्मल ही जीरो हो जाएगा, है ना। लेकिन हम मान लेते हैं कि एक इसको प्लेन सरफेस पर रखा हुआ है, प्लांक्स पर, अब प्लांक्स ही उठा के लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इस ब्लॉक के द्वारा वर्क डन, तो इस ब्लॉक के द्वारा वर्क डन देखेंगे तो डब्ल्यू जो नेट होगा, डब्ल्यू नेट वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा आपको नॉर्मल माइनस एम जी इंटू क्या हो जाएगा डी, क्लियर, गो डाउट नहीं। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक रफ सरफेस है और रफ सरफेस पर एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, तो उस ब्लॉक के वजह से हम वर्क डन चाहते हैं, एम है यहां पर क्या लगा हुआ एफ फोर्स लगा हुआ है, इधर क्या लगेगा फ्रिक्शन लगेगा, इधर क्या लगेगा एम जी लगेगा, इधर लगेगा आपको नॉर्मल। इसमें क्या करते हैं, ब्लॉक इधर जा रहा है कितना से डी डिस्प्लेसमेंट, ये सब वेक्टर आपको पता है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है भाई, सब वेक्टर है। तो डब्ल्यू जो नेट होगा वो वर्क डन बाई एफ होगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन होगा, वर्क डन बाई एम जी होगा, और वर्क डन बाई क्या होगा नॉर्मल होगा, इतने सारे फोर्सेस होंगे। तो W इज इक्वल टू क्या होगा W F होगा, यानी F वेक्टर और डॉट D वेक्टर, ठीक है, ठीक है ना, प्लस फ्रिक्शन फोर्स इंटू D वेक्टर, और प्लस यहाँ पर देखेंगे एम जी वेक्टर इंटू D वेक्टर, और प्लस नॉर्मल वेक्टर इंटू D वेक्टर। अब इसमें देखिए एफ लिखिए, डी लिखिए, और कॉस क्या लिखिए जीरो लिखिए। कॉस जीरो क्यों, क्योंकि फोर्स इधर ही लगा है, डिस्प्लेसमेंट इधर ही लगा है, ठीक है। इसमें देखिए एफ इंटू डी कॉस कितना 180, प्लस यहाँ पर देखिए एम जी डी इंटू कॉस 90, और फिर एन डी इंटू कॉस 90, इतना देखो भाई, क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ओके। तो एफ टी कॉस जीरो प्लस एफ टी कॉस 180 प्लस एम जी डी कॉस 90 और प्लस एन डी कॉस 90, तो क्या मिलेगा रिजल्ट, क्या मिलेगा, तो रिजल्ट आपको मिल गया डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी माइनस एफ डी प्लस जीरो प्लस जीरो, तो यहाँ पर हो गया डी एफ माइनस स्मॉल एफ, यहाँ पर मिलेगा डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू कैपिटल एफ स्मॉल एफ इंटू क्या हो गया डी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ नेट इंटू डी, ठीक है। कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा ये आपको जानकारी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ओके। अब हम बात जो करेंगे
वर्क डन में दो तरह की बातें करेंगे, एक बात करेंगे जो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होगा और दूसरा जो होगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा। तो पहला बात करते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट पहला W इज इक्वल टू एफ इंटू क्या डी, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। सिंपल ऐसे निकालो डॉट प्रोडक्ट करके, W इज इक्वल टू एफ हो गया, D हो गया और कॉस थीटा हो गया। और थीटा जो है, थीटा क्या है, वो है एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड डी वेक्टर। एफ वेक्टर और डी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। इसमें कोई डाउट? ओके। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर बटा डी वेक्टर। जब थीटा नहीं दिया रहेगा तो ये वाला लगा देंगे, यूनिट वेक्टर दिया रहेगा जिसको इस्तेमाल करेंगे ऐसे ऐसे करके। दूसरा, अगर पोजीशन वेक्टर दिया हो, जैसे मान लीजिए आर वन वेक्टर दिया हो, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप और प्लस जेड वन क्या के कैप, आर टू वेक्टर दिया हो एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप, यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स टू वेक्टर माइनस एक्स वन वेक्टर, डेल्टा आर इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे क्या आर टू वेक्टर, यहां पर लिखेंगे आर वन वेक्टर, है ना। तो डेल्टा आर जो वेक्टर है आर टू, आर टू का मतलब हो गया एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप, और माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। तो एक्स वाला एक साथ रखते हैं तो लिखेंगे क्या, डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप। इसी में एफ होगा वो भी वेक्टर के फॉर्म में होगा, एक्स एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप और एफ जेड क्या हो गया के कैप। तो वर्क डन जो होगा, वर्क डन वो क्या हो गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर आर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप और डॉट डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप, डेल्टा जेड के कैप। ओके, अब इसका डॉट कर देंगे तो हमको ऐसा मिलेगा, W इज इक्वल टू एफ एक्स डेल्टा एक्स प्लस एफ वाई डेल्टा वाई प्लस एफ जेड डेल्टा जेड, इस तरह से मिलेगा। ठीक है, ओके। बहुत जगह आपको दिया हुआ रहेगा कोऑर्डिनेट के रूप में, बहुत सारे आपको कोऑर्डिनेट के रूप में भी दिया रहेगा, तो आपको कोऑर्डिनेट के रूप में रहेगा तो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए ऐसा है एक P पॉइंट है जो आपको दिया हुआ है, मान लीजिए 2, 3, 4 इनिशियल इतना है, और जो Q पॉइंट है वो है 8 है ना, 6 और ये है 5, इस तरह से दिया हुआ है। तो आप डेल्टा X यहाँ से निकाल लेंगे आराम से, डेल्टा X कैसे निकालेंगे, 8 में से 2 घटाएंगे तो 8 में से 2 तो 6 आई कैप हो जाएगा। उसी तरह से डेल्टा Y निकालेंगे तो डेल्टा वाई निकालेंगे तो 6 में से 3 तो 3 आई कैप हो जाएगा। फिर डेल्टा जेड निकालेंगे
तो डेल्टा जेड कैसे निकालेंगे, 5 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा के कैप, है ना। और उसी के तरह मान लीजिए फोर्स दिया हुआ, सपोज दैट फोर्स दिया हुआ है 2i 3j + 4k कैप, इसका जो वर्क डन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, वर्क डन, इसका वर्क डन निकालेंगे तो एफ वेक्टर अ डॉट डेल्टा आर वेक्टर। तो देखो भाई डेल्टा आर में इस सब का सम हो जाएगा, डेल्टा एक्स आई कैप डेल्टा वाई जे कैप, या डायरेक्ट इसमें इनपुट कर सकते हैं, है ना। तो अगर इसमें लिखा जाए तो 2i + 3j + 4k कैप ऐसे लिख सकते हैं डॉट डेल्टा आर। तो डेल्टा आर वेक्टर का मतलब हुआ कि 6i कैप 3i सॉरी यहाँ पर जे कैप होगा छोटू, क्या होगा जे कैप, वाई कोऑर्डिनेट है, होता है ना x1 y1 z1, यहाँ पर हो गया x2 y2 z2, है ना। तो ये के कैप यहाँ पर लिखें क्या 6i कैप 3j कैप + k कैप, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो गया क्या 12, यहाँ पर क्या हो गया 9, यहाँ पर क्या हो गया 4, ओके। तो ये हो जाएगा आपको ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 13 3 हो जाएगा और ये हो गया 5, 13 हो गया, ये हो गया आपका 3 हो गया और ये हो गया 2 और 1 3, 35 हो जाएगा, है ना। ये हो गया आपका 12 9 4 9 4 13 हुआ ना, और 13 और 12 25 हो गया। तो इतना जूल आंसर आएगा, इतना जूल आपको आंसर में मिलेगा फिर, है ना। यहाँ तक कोई डाउट, ओके।